हमें बहुत अच्छा लगा है, सम्मानित किया गया है। अच्छे कार्य का सम्मान जो प्रशंसा मिलती है उसके लिए और आगे अच्छा काम करने के लिए मन होता है। थैंक यू। राष्ट्रीय जल उद्योग व्यापार संगठन मिर्जापुर की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में आज मुझे सम्मानित किया गया है। ये वास्तव में एक उपलब्धि है मेरे लिए कि इतने बड़े मंच से माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने मुझे सम्मानित किया। बहुत ही प्रेरणा का विषय है। मिर्जापुर से आज बहुत ही सम्मान की बात है जो मैं यहाँ आई और मुझे सम्मानित किया गया। माननीय स्वतंत्र सिंह जी ने आज मुझे सम्मानित किया। मैं पुतीन चलाती हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे लोगों से मिलना हुआ और प्रोत्साहन मिलता है। जिसकी गाड़ी मोटरसाइकिल भी देश की नदियां जुड़ जाती और गरीबों का पक्का मकान हो जाता। मित्रों, सब गरीबों का छत। देश ईमानदारी से चलती है, देश राष्ट्रभक्ति से चलती है, देश त्याग और तपस्या से चलता है। देश लूटने के लिए नहीं बना है मित्रों, देश खाने के लिए नहीं बना है। और चारों भाई ईमानदारी से परिश्रम के पराकाष्ठा। आज 125 करोड़ लोग हिंदुस्तान एक रास्ते पर चले मित्रों। आज योगी जी मेरा प्रॉफिट में था लेकिन प्राइवेट में चल रहा है और संपूर्ण मिला लें तो अभी केवल इस पीरियड में हमारे जो यात्रा था भोलेनाथ का, उस समय सावन के महीने में इधर एकाध दिन और मिर्जापुर डिपो थोड़ा घाटे में। आज मैं चेक किया हूँ, एक व्यवस्था में देखा हूँ और कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है कि माननीय मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज मैं स्वच्छता अभियान के रूप में देखा हूं और बस स्टेशन में देखा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं सभी चालक परिचालक अधिकारी को भी, जिस बस से मेरा पेट भरता है, जिस बस के माध्यम से हमारा परिवार पलता है, मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उस बस को साफ सुथरा रखें और ठीक ढंग से रखें। और जो यात्री बस में जो मान मिले और व्यापार कमरे में ठंडे से बैठ और जिसके घर मैं गारंटी से नहीं। मेरा प्रॉफिट में था लेकिन प्राइवेट में चल रहा है और संपूर्ण मिला लें तो अभी केवल इस पीरियड में हमारे जो यात्रा था भोलेनाथ का, उस समय सावन के महीने में इधर एकाध दिन और मिर्जापुर डिपो थोड़ा घाटे में। आज मैं चेक किया हूँ, एक व्यवस्था में देखा हूँ और कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है कि माननीय मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज मैं स्वच्छता अभियान के रूप में देखा हूँ और बस स्टेशन में देखा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ सभी चालक परिचालक अधिकारी को भी, जिस बस से मेरा पेट भरता है, जिस बस के माध्यम से हमारा परिवार पलता है, मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उस बस को साफ सुथरा रखें और ठीक ढंग से रखें। और जो यात्री बस में कि पेंशन मिले व्यापारियों को, क्या पेंशन के लिए कोई योजना कर रहे हैं क्या व्यापारियों को? ऐसा भी है, कोई योजना नहीं है। एक बार हम लोग देखेंगे क्या पश्चिम उनके जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान। प्रदेश में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण अभियान, महात्मा गांधी ने भी हमेशा सोचा कि हिंदू विश्व हमारा देश स्वच्छता रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। जब स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी। आज इंदौर उठा लीजिए, हिंदुस्तान में नंबर एक है, जिसके कारण वहाँ हॉस्पिटल में कम लोग मिलते हैं, नर्सिंग होम में कम मिलते लोग एमसीएक्स बंद कराने की जो मांग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी जो छोटे व्यापारी हैं, मुद्रा बैंक के माध्यम से सभी छोटे कुटीर उद्योग भी बढ़ें और आगे मजबूती से बढ़ें, इसकी भी चिंता की। डॉक्टर
नंबर आपका है।